हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विश्व डिज़ाइन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। सो आज की जो हम वीडियो बताएंगे वो बहुत अच्छी इफेक्ट है, बहुत ट्रेंडिंग इफेक्ट है, जो आजकल इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह ये इफेक्ट चल रही है। जैसे कि ये आप नॉर्मल फ़ोटो देख सकते हैं, नॉर्मल मतलब इफेक्ट अभी कोई एडिटिंग नहीं हुआ है। ये जो आफ्टर एडिटिंग करने के बाद ये जो फ़ोटो का इफेक्ट है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इफेक्ट है। और अगर आपको यही इफेक्ट आज हम बताएंगे तो चलिएगा आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको एक बात बता रहे हैं, ये अगर आपको ये इफेक्ट जानना है तो ये वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा आज हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और स्टेप बाई स्टेप आप लोग देखना देखेगा जरूर। तो सबसे पहले हम इस पर आएंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, इसमें एक्सपोजर को हल्का सा हम बढ़ा देंगे, कंस्ट्रक्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे और हाईलाइट जो है उसको माइनस कर देंगे। जैसे ये देख सकते हैं किनारे जो धूप वाला शैडो वाला फिगर है वो अप डाउन हो रहा है, तो उसको हम हल्का सा अपने अकॉर्डिंग मतलब हल्का सा माइनस कर देंगे, शैडो को पूरा बढ़ा देंगे। उसके बाद जो वाइट टोन है इसको हल्का सा माइनस करके ब्लैक हल्का सा बढ़ा देंगे, जो हम नॉर्मली हर फोटो में इतना यही सब करते हैं नॉर्मली। उसके बाद हम जो सेकेंड टोन पे आएंगे, ये टेम्परेचर टाइप का जो टोन है, ये इफेक्ट सेकेंड टोन से हम वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे, जिससे ये जो सनरेज है वो हल्का हल्का मतलब सिचुएशन बढ़ जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा लाइटनेस जो है उसको, से ये जो सिचुएशन है इसको हल्का सा माइनस कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे मिक्स पर गाइस। मिक्स पर आने के बाद जो फर्स्ट स्टेप का ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसको हम पूरा ले जाएंगे इसको लास्ट तक ले जाने के बाद इसको सिचुएशन को हल्का सा माइनस करके हम लुमिनस को हल्का सा बढ़ा देंगे सेकेंड टोन। उसके बाद हम सेकेंड पर आएंगे, इसको हल्का सा माइनस करके इसको हम लुमिनस को हल्का सा बढ़ा देंगे। उसके बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप आने के बाद इसको हम एकदम लास्ट तक ले जाएंगे गाइस, और लास्ट तक ले जाने के बाद इसको हल्का सा माइनस करके इसको हम इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद ये जो फोर्थ टोन है ग्रीन टोन को हम पूरा इसको येलो में कन्वर्ट कर देंगे। ये पूरा येलो हो गया इसका मतलब, अब येलो जो ग्रीन इफेक्ट है, ये येलो में ये जो ग्रीन इफेक्ट था ये येलो में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपको जैसा सही लगे उतना कर लीजिएगा। फिलहाल हम इतना ही इसको रख रहे हैं। लुमिनस को, ये जो लुमिनस हल्का सा हम इसको बढ़ा देंगे लाइटी के लिए। ये जो फिफ्थ टोन है इसको सिचुएशन हम पूरा माइनस कर देते हैं। ये जो ब्लू टोन है इसको हम अपने अकॉर्डिंग इसको हल्का सा बढ़ा के इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद ये जो इफेक्ट है सेकेंड लास्ट इसका सिचुएशन माइनस कर देंगे। ये जो है एकदम लास्ट टोन जो है इसका हल्का सा टोन को माइनस कर देंगे सिचुएशन, और इसका लुमिनस को हल्का सा हम बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद जो टेम्परेचर है उसको हम बढ़ा देंगे, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे 10 पे कर लेंगे। उसके बाद आएंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा इस प्रोसीजर का, इसको हल्का सा क्लैरिटी बढ़ा देंगे, क्लैरिटी 35 कर लेते हैं। ये जो है डोनेज इसको हल्का सा हम बढ़ा देंगे 4 कर लेते हैं। विंडेज को हम हल्का सा माइनस कर देते हैं। अब आएंगे स्प्लिट टोन पे। स्प्लिट टोन पे आने के बाद हाईलाइट को ये वाला इफेक्ट हम हल्का सा यूज करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे रख देंगे इफेक्ट को, ये नॉर्मली ऐसे रहेगा। तो हाईलाइट को हम इस पर सिचुएशन 3 है और हाईलाइट जो है 32 है, यहाँ पे डन कर देंगे, बैक पे आ जाएंगे। उसके बाद ये लास्ट इफेक्ट जो है टोन इस पर आएंगे। इस पर आने के बाद हम सिचुएशन को बढ़ा देंगे, सॉरी शार्पिंग को बढ़ा देंगे, मास्किंग को भी बढ़ा देंगे और नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे। उसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन को भी हम बढ़ा देंगे। ये डन हो गया प्रोसीजर। उसके बाद आ जाएंगे फिर से फर्स्ट स्टेप पे, जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर फर्स्ट स्टेप पर आएंगे। और यहाँ पे हम कर्व यूज़ करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ़ोटो के लिए, जो यही सारा चीज़ कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आने के बाद इसको हम हल्का सा माइनस कर देंगे, इसको हल्का सा हम बढ़ा देंगे, फिर इसको यहाँ पे डन कर देंगे। तो देख सकते हैं गाइस, ये जो लास्ट फ़ोटो थी स्टार्टिंग में फ़ोटो कैसे थी, और ये इफेक्ट कन्वर्ट हो गया है। हमने आपको कन्वर्ट बताया था कि इस इफेक्ट में फ़ोटो मतलब हो जाएगा। तो जो मैंने आपको नया इफेक्ट बताया, ये कुछ ऐसे ही मतलब आपको ये प्रोसीजर अगर करेंगे, इस तरह का अगर फ़ोटो रहेगा सनरेज टाइप का, बैकग्राउंड ग्रीन है
हल्का हल्का सनरेज होगा तो आप ये इफेक्ट डाल सकते हैं नॉर्मली अपने फोटो पे, ये स्टेप फॉलो करके। तो नॉर्मली हम यहाँ से सेव कर लेंगे इसको, और ये वीडियो कंप्लीट हो गया, ओके कर लेते हैं। तो गाइज अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और फॉलो करो इंस्टा पे विशु डिज़ाइन पेज जो है उसको फॉलो करो। और कोई इफेक्ट जाननी है तो डायरेक्ट मैसेज करो हमारे इंस्टा आईडी पे। तो गाइज आज के लिए थैंक यू, इतना ही गाइज आज के लिए, बाय बाय, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।